और YouTube चैनल ई शिक्षा राजस्थान। बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आगे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी तक के हमारे इस चैप्टर की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ओनली रीड आउट करके बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन के ऊपर ही अपने इस वीडियो में आई आइकन आता रहेगा। आप उस आई आइकन पर जाके उस क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो कि हम आपको पुराने वीडियो से कनेक्ट करेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसी में से सेलेक्ट करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वर्ड है फ्लोट, तैरना। सेकेंड वाटर, पानी। थर्ड क्रॉप। फोर्थ न्यूट्रिएंट्स एंड फिफ्थ प्रिपरेशन। पहला सेंटेंस देखते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown and cultivated on a large scale at a place is called। बच्चों, जब एक ही तरह के प्लांट को किसी फार्म में कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर के पांचों ऑप्शंस में से देखो और बताओ। बिल्कुल सही, इसको हम बोलते हैं क्रॉप, फसल। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक स्पेस ऑफ द सॉइल। क्रॉप को ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? प्रिपरेशन। सी है डैमेज्ड सीड्स वुड ब्लैंक स्पेस ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड होंगे वो वाटर के ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट, बिल्कुल तैरेंगे जो डैमेज होंगे, क्योंकि वो हॉलो हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। लास्ट सेंटेंस है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या हमको आवश्यक है? सफिशियंट सनलाइट एंड ब्लैंक स्पेस, एंड ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यहाँ पे क्या आएगा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। चलो, तो इस तरीके से हमारे ए सेंटेंस का आंसर हो गया क्रॉप, बी का हो गया प्रिपरेशन, सी का हो गया फ्लोट और डी का हो गया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए की आइटम्स को आपको कॉलम बी की आइटम्स से मैच करना है। चलो, सबसे पहले अपने सारे कॉलम ले आते हैं। चारों ऑप्शंस आ गए आपके पास। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। इनको लिंक करना है बी ग्रुप से। बी में दिए हुए हैं आपके वीट, ग्राम एंड पी, फिर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, फिर एनिमल एक्सक्रेटा, काउडंक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। डी है पेडी एंड मेज। फर्स्ट का आंसर देखते हैं, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सी है? बी कॉलम में पेडी एंड मेज, मतलब धान, चावल और मक्का। बी है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी है? वीट, ग्राम एंड पी, गेहूं, चना और मटर। सी केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से है? बी यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। डी ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से होते हैं? एनिमल एक्सक्रिएटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आपको आंसर लिखना है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप क्या एग्जांपल देखते हैं, क्या क्या होते हैं? पेडी, मेज, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट एंड कॉटन। बी रबी क्रॉप्स, इसके आंसर्स क्या क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या है? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। बच्चों, अगर इस खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स की अगर आपको डिटेल देखनी है तो ऊपर आ रहे आई आइकन पे जाके आप सीधा उस वीडियो पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द
फॉलोइंग, आपको नीचे दिए हुए वर्ड्स की पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखना है जिसका आंसर आपको 3 से 4 लाइंस में देना है। चलिए, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, ये पहले, सेकंड है सोइंग, फिर है वीडिंग और थ्रेसिंग। सबसे पहले तो आप ये समझ लो ये चारों कहाँ पे आते हैं, ये चारों हमारे आते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स में। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल्स को तैयार कैसे करते थे जो कि हमने पढ़ा है, ऊपर आई आइकन आ रहा है उससे आप डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं, मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ आपको। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, ये क्रॉप को ग्रो करने का पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, ये इस खेती में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, इसका काम, इसमें क्या काम होता है, सॉइल को टर्न करना, ऊपर नीचे करना और उसको लूज करना। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल, इससे क्या होगा, पौधे की जड़ें डीप तक जा सकती है। ये सारा काफ़ी अच्छे से आपको पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और वैसे भी क्वेश्चन आंसर करने से पहले ये जरूरी है कि आप सारे वीडियो कम से कम 1 या 2 बार पूरे देख लें, जिससे आपको ये आंसर देने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, ये लूजन सॉइल्स में क्या होते हैं, अर्थवॉर्म, केचुए और माइक्रोब्स ईजीली ग्रो करते हैं, जिससे कि सॉइल में प्रजेंट पार्ट्स जो होते हैं उसका प्रॉपरली डीकम्पोजिशन होता है और वो उनसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, विच आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, और ये अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं और ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं। आल्सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, इससे टर्निंग और लूजनिंग से जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर भी आ जाती है, जिससे कि प्लांट को न्यूट्रिएंट इजीली मिल जाते हैं। बी पार्ट देखते हैं इसका, सोइंग, सोइंग क्या है, सोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल को बोना क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, अच्छे तरह के अच्छे सीड्स जो है हमको सेलेक्ट करने होते हैं सोइंग के लिए। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी, गुड क्वालिटी कौन से होते हैं, जो साफ होते हैं और हेल्दी होते हैं। सीड्स कैन बी सोन बाई सीड ड्रिल ऑल मैन्युअली, और ये सोइंग का प्रोसेस जो है वो मैन्युअली या सीड ड्रिल से हम कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है सी वीडिंग, वीडिंग किसको कहते हैं, खरपतवार को रिमूव करना, एक्स्ट्रा प्लांट जो होते हैं उसको हमारे खेत से रिमूव करना। वीडिंग आर अनवांटेड वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन अलोंग विथ क्रॉप्स, जो फसल के साथ में अनवांटेड प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं, वीड्स, और इसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूव। वीड्स कैन बी रिमूव आइदर मैनुअली बाय यूजिंग टूल्स कॉल्ड खुरपी, ये मैनुअली भी रिमूव किए जाते हैं एक टूल से जिसका नाम है खुरपी, और इनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है केमिकली, जिसमें हम यूज लेते हैं वीडिसाइड्स, उसका एग्जाम्पल है 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स, और ये स्प्रे किया जाता है फील्ड में और इनको क्या कहते हैं हम, वीडिसाइड्स। लास्ट ऑप्शन है थ्रेशिंग, डी थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होती है, जो फसल हम पक चुकी है उसको काटने का प्रोसेस जो होता है उसको क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, दिस इज कैरिड आउट विथ हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, जो फसल कटी हुई होती है उसमें से घास फूस को अलग करना और दानों को अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। इसमें ऑपरेटर्स काम में लेते हैं उसको क्या कहते हैं, कंबाइन। चलिए आगे पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, ये टेबल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके पूरा रीड आउट कर ले जिससे आपको समझ में आ जाएगा मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या क्या डिफरेंस है। अगर इस पूरी टेबल का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझना है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे जाके आप इसके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो पे सीधा जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन, सिंचाई क्या है, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, इरिगेशन के 2 मेथड बताओ जिससे कि हम पानी
बचा सकते हैं। चलिए इरिगेशन का तो आपको समझ में आ ही गया, डिफरेंट इंटरवेल पे फसल को पानी देने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम, जिससे हम कम पानी में ज़्यादा फसल तक पानी पहुंचा सकते हैं। स्प्रिंकल को हिंदी में हम फवारा सिस्टम कहते हैं और ड्रिप वाला जो सिस्टम होता है बूंद बूंद खेती। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवेल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। द टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर सिस्टम। अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स का यूज लेते हैं, जिनको परपेंडिकुलर रखते हैं, सीधा रखते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, और उन पाइप के ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होती है, आर ज्वाइन टू टर्न मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवेल। मेन पाइपलाइन से जोड़ी जाती है, जिसमें से प्रेशर के साथ पानी आता है और रोटेटिंग नोजल घूमती है और पानी को कट करती रहती है, और पूरी फसल जो आसपास की होती है उस पर पानी का बारिश की तरह से छिड़काव हो जाता है। व्हेन वाटर अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइप अंडर प्रेशर विथ हेल्प ऑफ ए पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल, इट गेट्स स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप एज इट इज रेनिंग। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, पाइप के थ्रू ही पानी पहुंचता है, बट पानी वहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होता है, और मोस्टली ये पौधे की जड़ के पास में ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होता है। ये प्रोसेस ज़्यादातर हमारे फ्रूट प्लांट, गार्डन और ट्रीज के लिए काम में आता है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें पानी बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर हम वीट, जो गेहूं की खेती है, वो रबी के टाइम पे नहीं और खरीफ के टाइम पे बोते हैं तो क्या होगा। वीट इज रबी क्रॉप, यह आप जानते ही है, तो इसको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, ये गर्मी में नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा, ये फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वीट इज रबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट्स कंडीशन टू ग्रो प्रॉपरली। इफ इट इज सोन इन खरीफ सीजन, मतलब गर्मी के टाइम पे अगर इसको बोएंगे तो क्या होगा, इट विल नॉट ग्रो और मे डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन खरीफ सीजन। गर्मी और रेन की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। एक ही फसल बार बार किसी फार्म में, फील्ड में बोने से क्या इफेक्ट होगा उस सॉइल पे, वो बताइए। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप। सॉइल्स क्या करती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को पहुंचाती है। अगर एक ही फसल हम बार बार ग्रो करेंगे तो वो प्लांट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो उसको चाहिए वो उसमें से एब्जॉर्ब करता रहेगा रेगुलरली, और उस न्यूट्रिएंट की वहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे अगली फसल को जितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उतना उसमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा और फसल जो है हमारी वो वीक हो जाएगी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट उसमें कम हो जाएंगे। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल, और सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, उसमें फर्टिलिटी कम हो जाएगी। एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स फार्मर नीड टू ऐड मैन्योर, और इस कमी को पूरा करने के लिए फार्मर को उसमें खाद डालना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। जस्ट पहले भी ये क्वेश्चन आया था किसी में, यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा। वीड्स क्या है, वीड्स एक अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ में, उनको क्या कहते हैं वीड्स, और इस वीड्स को डिस्ट्रॉय या रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं वीडिंग। ये वीड्स क्या करती है, जैसे जैसे ग्रो होगी वो हमारे मेन प्लांट, मेन क्रॉप के साथ में कम्पीट करेगी, और उस प्लांट के हिस्से का जो भी वाटर होगा, जो भी सनलाइट होगी, जो भी एयर होगी, जो भी इसको स्पेस रिक्वायरमेंट होगा वो ये लेने की कोशिश करती है, जिससे हमारा मेन प्लांट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। द अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो
naturally along with the crop are called weeds. There are many ways to remove weeds and control their growth. बहुत से तरीके होते हैं weeds को remove और control करने के. Weeds can be removed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. इसको ground से just पास से पकड़ के उखाड़ा या काटा जाता है time to time. This is done with help of खुरपी, और ये complete किया जाता है एक tool से जिसका नाम है खुरपी. Weeds are also controlled by using certain chemical. कुछ chemical से भी weeds को control किया जाता है, और वो chemical है 2,4-D. बार बार नाम आ रहा है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए. These are sprayed in field to kill the weeds. और उसका field में spray किया जाता है जिससे कि हमारे weeds destroy हो जाए. चलिए बच्चों, ये हो गए सारे क्वेश्चन आंसर. अभी तक के जो NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसके आंसर आपको खुद ही तैयार करने हैं. क्वेश्चंस है, फर्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय ए क्रॉप. क्रॉप्स किसको कहते हैं, क्रॉप से आप क्या समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशिंग, थ्रेशिंग किसको कहते हैं. व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन सिंचाई के क्या मतलब है. डिफाइन वीडिंग, वीडिंग को परिभाषित कीजिए. व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग, वीडिंग के क्या क्या मेथड्स है वो बताइए. व्हाट आर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अंडरटेकन टू प्रोड्यूस ए क्रॉप, एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के क्या क्या स्टेप्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको घर पे ही तैयार करना है. उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट वर्क आपको दे रहा हूँ जो अगर आप सेल्फ करोगे तो आपके लिए ये चैप्टर समझना बहुत ही इजी हो जाएगा. फर्स्ट है, ग्रो सम प्लांट्स इन योर स्कूल कैंपस और होम गार्डन. कुछ पौधों को आपको लगाना है, बोना है कहाँ पे, या तो स्कूल कैंपस में या आपके घर के गार्डन में. अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर इन देम, उसमें अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर आपको देना है और देखना है फिर कौन से फर्टिलाइजर से प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है. दूसरा प्रोजेक्ट है, मेक ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स. आपको अलग अलग तरह के दानों का एक कलेक्शन करना है, उनके सैंपल तैयार करने हैं, प्रॉपर पॉलीथीन में पिनअप करके आपको एक हार्ड बोर्ड पे उनको लगाना है, नीचे उनका नाम लिखना है. ये भी एक काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव वर्क होगा और उससे आपको पता भी चलेगा कौन कौन से दाने किस किस तरह के आते हैं और ये कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं. बच्चों, इस तरीके से हमारा 8th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट होता है. इसको चैप्टर को समझने के लिए आप सारे वीडियो को एक या दो बार पूरे पूरे जरूर देखें जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. सारे वीडियोस आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाए गए हैं. आगे बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक अवर फेसबुक पेज. थैंक यू वेरी मच.